दोनों सपने हैं, ये भी झूठा है और वो भी झूठा था। जो तू जी रहा है ये भी असत्य है, क्योंकि जिस तरह तू सपने में घबरा गया था, ऐसे ही एक दिन सब ये छूटेगा जब, तो उस दिन तू फिर से ऐसे घबरा जाएगा। जैसे स्वप्न में तेरे पास कुछ नहीं था और तू वैसी बेहल स्थिति देख के पसीने पसीने हो गया था, ऐसे ही जब ये जीवन का धन तेरे ऊपर से निकलेगा, जब एक दिन तू अपने इन सब चीजों से जहां तूने बंधन बना लिया छोड़ के जाना पड़ेगा, तो ऐसे ही तू पसीना पसीना हो जाएगा। ना ये सच है ना वो सच था, ये सब मिथ्या है, ये झूठ है, मन का बहकावा है। मन, आज की जो कथा है वो समुद्र मंथन की कथा है, मन के मंथन की कथा है, मन के मंथन की। आप जब अपने मन को कस के मथते हैं, कस के जब मन को मथा जाए, तो फिर उसमें से निकल के आता है, कभी विष निकल के आवेगा, कभी अमृत निकल के आवेगा। ये मन को मथने की बात है, क्योंकि ईश्वर ने जो आपको भेजा, ईश्वर ने आप में कोई कमी करके नहीं छोड़ी, कहीं आपके अंदर से अल्पता का भान हट गया। कभी आप जब ये सोचने लगते हैं कि मैं क्या हूं, मैं ये शरीर हूं, मैं ये रंग रूप हूं, मैं ये हाथ हूं, मैं कौन हूं, मैं ये वस्त्र हूं, मैं ये आंखें हूं, मैं कोई गोत्र हूं, मैं कोई नाम हूं, इतना ही तो जान पाते हैं आप अपने बारे में कि मैं क्या हूं, मैं ये शरीर हूं, मैं ये टोपा पहना हुआ ये हूं, मैं आंख हूं, मैं नाक हूं, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरा नाम है, ये मेरे पिता है, मेरा गोत्र, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरा ज्ञान, मेरी चुभक चितवन त्वचा, मेरी पोथी, मेरी रचना, यही तो है मैं, और मैं क्या हूं। और फिर जब आप समझते हैं कि आप ये हैं, और फिर जब ये नहीं होता कि मैं तो ऊंचे कुल में से नहीं हूं, मेरी कोई रचना नहीं है, मैं कोई सुंदर नहीं हूं, मेरा कोई गोत्र नहीं, खानदान नहीं, मेरा कोई परिचय नहीं, मेरा अध्ययन नहीं, मेरा कोई सम्मान नहीं, तो फिर जो अल्पता उत्पन्न होती है वही आपको परब्रह्म से विलग कर देती है। आप अपने आप को छोटा समझने लगते हैं, जबकि हैं आप वो, आप उसके अंश हैं, आप वो हैं। लेकिन जब आपने अपना परिचय दूसरा बनाया कि मैं ये हाथ नाक कान हूं, आंख हूं, मैं ये सूटर और इस सब का मालिक हूं, मैं इन वस्त्रों का स्वामी हूं, जब आप अपना परिचय ऐसा बना लेते हैं और फिर वो परिचय छोटा बड़ा होता है, तो उसमें फिर आपको अल्पता होने लगती है। और जैसे ही मन में अल्पता हावी हुई, फिर आप कुछ नहीं रहे, सब हाथ से निकल गया, फिर आप एक चाकर से भी नीचे चले गए। अब वो अल्पता आपको जीने नहीं देगी, अब वो अभाव आपसे बार बार कहेगा कि पहले ये अभाव दूर हो, पहले अभाव दूर हो। और ये मन का है, संसार के जितने भी संबंध हैं, जितनी भी अल्पता है, जितना भी प्रमाद है, जितने भी कष्ट हैं, ये मन के हैं। मरने के बाद भी तो शरीर रहता है, केवल मन ही तो निकल जाता है उसमें से, केवल बुद्धि निकल जाती है, मस्तिष्क मर जाता है। डॉक्टर कहता है जब तक शरीर मर जाए, मृत नहीं हो, जब तक ब्रेन डेड नहीं हुआ है। ब्रेन डेड होने के बाद डेड माने जाते हैं। तो ये जो समुद्र मंथन है, ये उस मन के मंथन की कथा है कि जब आप उस मन को मथोगे, तो उसमें से निकल के आएगा कि आप देव भी बन सकते हैं और आप असुर भी बन सकते हैं, आप ज्ञानी भी बन सकते हैं, आप अज्ञानी भी बन सकते हैं, आप कृपण भी बन सकते हैं, आप दानी भी बन सकते हैं, आप मृदु भी बन सकते हैं, आप कठोर भी बन सकते हैं, आप हिंसक भी बन सकते हैं, अहिंसक भी बन सकते हैं,
आप सत्यभाषी भी बन सकते हैं, आप असत्यभाषी भी बन सकते हैं। ये आपके मन के मथने से निकल के आएगा कि मुझे बनना क्या है। आप में सभी रसायन पहले से हैं। अमृतस्य पुत्रा, उसने जब आपको बनाया तो सारी चीज भर के भेजा। जैसे मोबाइल में आप गाने भरवा लाते हैं, जो आपको चाहिए वो सारे गाने आप डलवा के ले आए, या कि कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में जो जो सॉफ्टवेयर चाहिए आपने सारे डाल लिए। तो नारायण ने जब आपको जन्म दिया तो हर चीज आपके अंदर है पहले से। कोई चीज एक सुई की नोक भी आपके अंदर नहीं जा सकती। जैसे आपको डायबिटीज हो गई, अब डॉक्टर से आपने डायबिटीज की दवा ली, तो वो दवा आपकी डायबिटीज को कम कर सकती है या ज्यादा कर सकती है, पर डायबिटीज तो पहले से है। आपको ब्लड प्रेशर हो गया, अब डॉक्टर आपको दवाई दे रहा है तो वो ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है या ज्यादा कर सकता है, ब्लड प्रेशर तो पहले से है। कोई भी चीज आप अपने शरीर में अंदर नहीं ले सकते। जितना ईश्वर ने बना के आपको भेजा है आप उतने ही रह सकते हैं, क्योंकि उसने आपको कॉम्पैक्ट बना के भेजा है। कोई चीज अंदर नहीं जाएगी, सिर्फ आप ऊंचा नीचा कर सकते हैं। आपके अंदर देव भी छुपाए, आपके अंदर असुर भी छुपाए, आपके अंदर महात्मा भी छुपाए, आपके अंदर चोर भी छुपाए। अब ये आपको अपने मन को मथना है कि उसमें से क्या निकाल के बाहर लाना है। जो आप चाहेंगे वो बाहर आ जाएगा। जैसे लकड़ी है, अब लकड़ी में लकड़ी है 60%, कुछ और चीज है, अग्नि भी है उसमें। तभी तो लकड़ी में आप अग्नि लगाते हो तो अग्नि पकड़ लेता है, तो अग्नि पहले से उसमें है, पर उसमें अग्नि थोड़ी कम है, 60% है। आपने ऊपर से और अग्नि लगा दी तो वो 60% 100% हो गई, और कास्ट ने अग्नि को पकड़ लिया, थोड़ी देर लगाई पकड़ने में। पेट्रोल पानी है लेकिन उसमें भी अग्नि है, और उसमें अग्नि 98% है, जरा सी चिंगारी दिखाई फक के आग पकड़ ली। तो नारायण ने जो बना के भेजा आपको, वो पहले से सारे रसायन है, उसमें आप कुछ भी छेड़ाखानी नहीं कर सकते। आप ये चाहे इस चीज को बढ़ा लूं घटा लूं, जो पहले से मौजूद है उसको बस, आप ये चाहे नया कुछ कर दूं। तो भगवान ने जो समुद्र मंथन कराया तो उसमें से कामधेनु निकली, विष निकला, अमृत निकला, ये पहले से उसके अंदर था, कोई अलग से डाल के नहीं गया था। मन को कस के मत है वो, तब उसमें से देव या असुर निकल के आएगा। आज जो है ऐसा विचित्र हुआ कि स्वर्ग में जो देवताओं का स्थल था, जहां से सृष्टि पर नियंत्रण किया जाता था, वहां आज असुरों का शासन हो गया। देवों को स्वर्ग से धक्के देके बाहर निकाल दिया गया। अब मृदा, वायु, जल, अंबर, तेज पर असुरों का नियंत्रण हो गया।